हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं। देखो, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है, ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जैसा कि कमेंट आए थे हमारे पास कि परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार पर पूरा वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो तभी भी ये वीडियो बनाया गया। अगर आपको भी किसी भी टॉपिक की कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो देखेंगे हम परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है। तो देखो, परमाणु क्रमांक की बात करें, पहले एक बेसिक समझ लो। देखो, ये जो होता है जेड एक्स ए, इसे हम कहते हैं परमाणु, ठीक है। आप इसमें देखते हैं, जैसे ये जेड लिखा है नीचे, ये एक्स हो गया, ये ए, इसे कहते हैं परमाणु। ये एक्स परमाणु है, ये जेड आपका परमाणु क्रमांक है, ए जो होता है ऊपर वाला, इसे परमाणु भार कहते हैं। अब ध्यान से समझो, देखो परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड बराबर होता है पी। पी क्या होता है यहाँ पे, पी को हम कहते हैं प्रोटानों की संख्या। क्या कहते हैं, प्रोटानों की संख्या कहते हैं, ठीक है। देखो लिखा है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटानों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटानों की संख्या और परमाणु क्रमांक, ये तीनों बराबर होते हैं जेड बराबर पी बराबर ई, ठीक है। प्रोटानों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो परमाणु क्रमांक है वो बराबर होता है। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि मान लो जैसे 11 Na 23 दिया गया आपको, इसमें प्रोटानों की संख्या बताओ या परमाणु क्रमांक बताओ इसका या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो सारी सेम होगी, ठीक है। तो अभी आपको हल करके भी बताएंगे कैसे निकाली जाती है तीनों चीज। आप बात करते हैं परमाणु भार की। परमाणु भार जो होता है द्रव्यमान संख्या, इसे कहते हैं, इसे एक दूसरा नाम इसका क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। इसे हम ए से डिनोट करते हैं, ए एटम, ठीक है। इसे न्यूक्लियनों की, परमाणु भार को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियनों की संख्या मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु भार, या आप दूसरा नाम कह सकते हो इसका न्यूक्लियनों की संख्या। बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में भी है ये, ठीक है। क्लास 12 फिजिक्स में भी है, जो आपका न्यूक्लियनों की संख्या बता रहे हैं ये, ठीक है। परमाणु भार को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या, जिसे आप प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कह सकते हो। ए बराबर क्या होता है, जेड प्लस एन, जहां आपका जेड क्या है, प्रोटॉन, आपको अभी बताया गया जेड क्या है, परमाणु क्रमांक क्या, प्रोटॉनों की संख्या। एन आपका क्या है, ये आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। एन को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए बराबर जेड प्लस एन, जहां ए आपका क्या है, ए है परमाणु भार, जेड क्या है आपका प्रोटॉनों की संख्या, एन क्या है आपका न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये हुई बात ए जेड और एन की, जिससे आप कोई भी, किसी भी आपको कोई भी परमाणु दिया उसका आप परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन एक दो सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने क्या देखा कि जेड जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, ये कोई परमाणु है आपका, ठीक है, जेड एक्स से, जहां जेड आपका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु भार क्या होता है, ए, जिससे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब हमें तो कोई नाभिक दिया गया है, परमाणु दिया गया है 2He4। अब बात की जाए इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, तो आप बताओ प्रोटॉनों की संख्या क्या, अभी आपको बताया गया प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक के, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक के, ठीक है। किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इस परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होती है, प्रोटानों की संख्या। तो आप बताओ इसमें परमाणु क्रमांक क्या है इसका, इसका परमाणु क्रमांक जेड है, जेड कहाँ पे, ये तो दो, तो जेड बराबर क्या हो गया, दो, जेड बराबर दो, या कह सकते हो पी बराबर दो, ठीक है, क्योंकि प्रोटानों की संख्या पूछ रहा है तो पी बराबर दो। अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो क्या होगा, जेड बराबर दो। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉन में क्या होंगे, दो। तो आप देख सकते हो कि जेड बराबर पी बराबर दो, पी बराबर दो, ई बराबर भी दो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक, तीन में से कोई भी चीज पूछी है तो वो सेम ही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसका परमाणु भार कितना होगा। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कह सकते हो, इंग्लिश में इसे कैसे डिनोट करेंगे, जेड से, सॉरी ए से, जेड को तो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, ए से डिनोट करेंगे। ए क्या होगा यहाँ पे, ये ए कहाँ है आपका, देख सकते हो ये, तो कितना है, ए बराबर हो जाएगा चार। द्रव्यमान संख्या है, न्यूक्लियनों की संख्या या परमाणु भार कितना होगा इसका, चार। अब अगर हमसे कोई पूछ ले न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, तो बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या आप कैसे निकालोगे इसमें से, जल्दी बताओ। अभी आपको फॉर्मूला बताया गया न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का, आपको फॉर्मूला बताया गया ए बराबर जेड प्लस एन, जहां ए आपका परमाणु भार, जेड आपका परमाणु क्रमांक, एन आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो एन बराबर न्यूट्रॉनों को पूछ रहा है, एन इधर ही रखो, जेड को इधर भेज दो, तो ए माइनस जेड, तो एन बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ ए माइनस जेड। ए कितना है, ए है आपका चार, जेड कितना है, जेड है आपका दो, तो चार माइनस दो, न्यूट्रॉन कितने आ गए, दो, ठीक है, देख सकते हो न्यूट्रॉन आ गए दो। अगर आपसे यहाँ पर जेड आपको न्यूट्रॉन दिया हो, पी और प्रोटॉन दिया हो, आपसे पूछ क्या ले, जेड की जगह आप पी भी लिख सकते हो, ए बराबर पी प्लस एन, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपसे अब यहाँ पूछ लिया जाए कि आप परमाणु भार बताओ, एन दिया है पी दिया है, तो परमाणु भार भी आप निकालोगे, ए बराबर पी प्लस एन से, पी कितना है दो, एन कितना है दो, दो दो चार, तो परमाणु भार कितना आ गया इसका, चार। इसी प्रकार 11 Na 23 इसका भी आप आराम से निकाल लोगे। परमाणु क्रमांक की बात करें या प्रोटॉनों की संख्या की बात करें या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो कितना होगा, 11, ये है आपका। परमाणु भार की बात करें, परमाणु भार की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, परमाणु भार को एटम नंबर, ठीक है, तो ए से आप सिद्ध करोगे तो ए कितना है, 23। अगर यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो न्यूट्रॉनों की आप निकाल लोगे कैसे, ए माइनस जेड से, ए कितना है 23, जेड कितना है 11, तो कितने न्यूट्रॉन हो गए इसमें, 12, ओ सॉरी 12, हाँ 12, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं, 12,
प्रोटॉन कितने 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 और न्यूट्रॉन कितने आए 12, ठीक है। तो न्यूट्रॉन आप देख लिए, प्रोटॉन देख लिए, इलेक्ट्रॉन देख लिए कितने कितने होते हैं। किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार निकालना आप देख लिए कितना ज्यादा आसान होता है। तो भाई जिसने भी कमेंट किया था तो उसको इतने तो है कि उसको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे किसी को भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।